हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अपडेट्स को यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर पर चार पेज बनाना बताऊंगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर। ये चार पेज आपको कहां से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं और अपने ब्लॉगर वेबसाइट में कैसे अपलोड करने हैं, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और आप अगर इन चार पेज को अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में अपलोड करते हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलने में आसानी हो जाती है। इन चार पेज के बिना आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता। आपको हमेशा ये चार पेज अपनी वेबसाइट में बना के रखने हैं, चाहे आप ब्लॉगर भी बना रहे हो अपनी वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस पर बना रहे हो। आपको अपनी वेबसाइट पर इन चार पेज को हमेशा बनाकर ही रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ चार पेज कौन सा है पहले, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है और इनको अपलोड कैसे किया जाता है। सब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते कैसे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना न्यू टैब ओपन कर लेना है। पहले मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, फिर आपको अपलोड करना बताऊंगा। तो पहले हम बनाना सीख लेते हैं, फिर हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको न्यू टैब पर आ जाना है। न्यू टैब पर आने के बाद आपको ऊपर गूगल ऐप्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको डॉक्स या शीट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप डॉक्स में चले जाइए। डॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिख जाएंगे। थ्री डॉट में आने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्म्स का ऑप्शन दिखेगा, फॉर्म्स में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म दिखेगा, इसको आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में इसको एम्बेड करना है। तो अब ये एम्बेड कैसे करते हैं, तो मैं आपको एम्बेड करके बताता हूँ। आपको ऊपर सेंड का बटन दिखेगा, सेंड के बटन पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको HTML टैग का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ से आपको टैग को कॉपी कर लेना है। टैग को कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉगर पर आ जाना है। ब्लॉगर पर आने के बाद आपको पेजेस वाले सेक्शन में आना है। पेजेस वाले सेक्शन में आने के बाद आपको न्यू पेज क्रिएट करना है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिख जाएगा, यहाँ पर टिक करने के बाद आपको HTML व्यू पर आ जाना है। HTML व्यू पर आने के बाद आपको यहाँ पर उस कोडिंग को पेस्ट कर देना है। उस कोडिंग को पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही पब्लिश पर टिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का पेज आपके पास आएगा। ऐसा पेज आपके पास आ जाएगा। जब आप पब्लिश पर टिक करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज बन चुका है। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं। अब जानते हैं कि डिस्क्लेमर का पेज आप कैसे बना सकते हैं। तो डिस्क्लेमर का पेज बनाने के लिए आपको फिर से अपनी ब्लॉगर वाली वेबसाइट पर आ जाना है। वैसे मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इसको ड्राफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ से बिन में डाल रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिस्क्लेमर का पेज आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको वही करना है जो पहले पेज में करा था, न्यू पेज बनाना है और वहाँ पर टाइटल आपको डिस्क्लेमर देना है। डिस्क्लेमर देने के बाद आपको एक वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट का नाम बताता हूँ मैं, यहाँ पर गूगल पर आपको टाइप करना है डिस्क्लेमर जनरेटर। आपको डिस्क्लेमर जनरेटर पर आ जाना है। फर्स्ट वेबसाइट पर आपको टिक कर लेना है। आप कोई भी वेबसाइट पर जाकर बना सकते हैं इसको आसानी से। तो आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है,
मेरी वेबसाइट का नाम है इंडियन अपडेट्स गुरु, वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फिर से अपनी वेबसाइट डालना है, वो वेबसाइट नेम और कंपनी नेम आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और कंपनी नेम आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डालें, मैंने तो URL डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर टिक करना है। यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लें अपनी, इंडिया, अगर आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप जिस भी कंट्री से वो सिलेक्ट कर लें। आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अपनी ईमेल डाल दें, जो भी आप जीमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। अब यहाँ पर आपको जनरेट डिस्क्लेमर पर टिक कर देना है। जनरेट डिस्क्लेमर पर टिक करने के बाद आपके पास एक HTML में कोडिंग आ जाएगी, इस कोडिंग को आपको कॉपी करना है और अगेन जैसे मैंने आपको बताया था आपको एक पेज बनाना है और HTML व्यू पर आके उस कोडिंग को पेस्ट कर देना है। तो उस कोडिंग को पेस्ट करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको ये सब आने के बाद आपको पब्लिश पर टिक कर देना है, आपका डिस्क्लेमर का पेज बन जाएगा। आप इस तरीके से डिस्क्लेमर का पेज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज है वो है प्राइवेसी पॉलिसी का। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। आपको सबसे पहले न्यू पेज क्रिएट करना है, टाइटल आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालना है, फिर आपको गूगल पर आ जाना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर कोई भी फर्स्ट वेबसाइट या सेकंड वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी नेम डालना है, यहाँ पर आपको कंपनी नेम डालना है, यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम डालना है, यहाँ पर आपको URL डालना है वेबसाइट का, फिर आपको नेक्स्ट पर टिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है। अगर आपकी वेबसाइट में आपने कुकीज पॉलिसी लगा रखी है तो आप येस पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पर टिक करिए। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजिंग लगा रखी है तो आप येस पर टिक करें, और अगर आप थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स का है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो भी एडसेंस के अल्टरनेटिव्स हैं उनका यूज़ करते हैं तो आप येस पर टिक करें। वैसे मैं सिर्फ एडसेंस का यूज़ करता हूँ तो मैं नो पर ही टिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप फिर से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया, और स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका स्टेट है, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालकर जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक कर सकते हैं। आपको यहाँ फिर से एक कोडिंग मिल जाएगी, आपको उसको कॉपी करना है और आपको जो भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया है यहाँ पर HTML व्यू में आके पेस्ट करना है। मैंने पहले से बना रखा है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ पैराग्राफ की कोडिंग दिखेगी और आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। अब आपको अबाउट अस का पेज बनाना है। अबाउट अस का पेज कैसे बनाते हैं, आपको जो भी अपने अबाउट अस का पेज बनाना एकदम सिंपल है। आप टाइटल में अबाउट अस डाल दें और आपने जो भी अपने ब्लॉग पेज या फिर वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सब डिस्क्रिप्शन लिखा है मेरी वेबसाइट का, आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट का कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जिस टॉपिक पर आप बेस आपकी वेबसाइट है आप वही डिस्क्रिप्शन इधर डाल सकते हैं। तो अबाउट अस के पेज में आपको यही करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब पेज को आप अपनी वेबसाइट के फुटर हेडर में कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट में देख सकते हैं, यहाँ पर फुटर में भी सेट है ये सब, और हेडर में आप देख सकते हैं सारे पेज यहाँ पर दिख जाएंगे, और हेडर में भी और फुटर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे पेज आपको दिख जाएंगे। तो ये कैसे ऐड करते हैं, वैसे रात के दो बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए तो एक लाइट बनता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप हेडर और फुटर में जो आपने पेज बनाया है उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है लेआउट वाले सेक्शन में। लेआउट वाले सेक्शन में आने के बाद
आपको यहाँ पर एक टॉप नेविगेशन और सोशल नेविगेशन का, यहाँ पर आपको टॉप नेविगेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका अगर थीम अलग है तो आपके अलग नाम से ये शो करेगा। आप हेडर में जाके देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ये सब। तो आप वहाँ पर आने के बाद आपको एडिट पर टिक करना है। एडिट पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर आना है, और यहाँ पर आपको अगर आपके ये सब ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप ऐड न्यू आइटम पर टिक करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट अस डाल दें और यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जाकर उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और सेव पर टिक कर दें। इसी तरीके से आपको चारों पेज बनाने हैं और आपको सेव पर टिक कर देना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चारों पेजों को हेडर और फुटर में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हेडर वाली बात। अब जानते हैं कि फुटर में कैसे ऐड करना है। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मेन्यू फुटर विजिट दिखेगा, आपके कुछ और नाम से आएगा। आप नीचे जाके देख सकते हैं क्योंकि नीचे फुटर आता है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से पेज बनाने हैं और ऐड करना है। जो मैंने हेडर में ऐड करना बताया है, उसी तरीके से आप फुटर में भी ऐड कर सकते हैं। और आप सेव पे आइकन पर टिक करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार पेज बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के, जो इम्पोर्टेंट होते हैं एडसेंस का अप्रूवल लेने में। इनके बिना आपको एडसेंस का अप्रूवल कभी नहीं मिल सकता। तो आपको इस तरीके से ये चार पेज बना लेने हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा पहला वाला चैनल हैक हो गया था, उसकी वजह से उस पर स्ट्राइक आ गई, तो वह बंद हो चुका है। लेकिन अब मैं इस चैनल पर कोर्स वाइज वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं आती है तो मैं उसका पूरा कोर्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे लाइक करना बनता है क्योंकि रात के 2 बजे है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं और ये चार पेज बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने थीम को कैसे एडिट कर सकते हैं और आप एक फ्री थीम अपने वेबसाइट में कैसे लगा सकते हैं जो एडसेंस फ्रेंडली हो और एसईओ फ्रेंडली भी हो और आपकी वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाए। तो ऐसा थीम लगाना मैं आपको बताऊंगा और सेट करना भी बताऊंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।